Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. Hello guys, this is Daniel Martin and welcome to my YouTube channel. So today I'm gonna talking about my brand new HD DVR. So let's talk about the HD DVR specification and features about this product. So let's start. So hello guys, this is the HD DVR. So yeah, HD DVR, HD portable DVR with 2.5 DFT LCD screen. So HD DVR hai, iski mode hai video recording and camera. So cycling recording or support HD and MMC card up to 32 GB. Interface USB 2.0. पहले जानते हैं जो DVR है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं जो आपके कार के अंदर जो डैशबोर्ड रहता है, तो डैशबोर्ड में इसे फिट किया जाता है अटैचमेंट के साथ. तो और कार के अंदर जो रियर व्यू रहता है तो उसमें इसको फिट किया जाता है, या कार के बैक साइड में जो डैशबोर्ड रहता है या उसे क्या कहते हैं पता नहीं, डिक्की के सामने, तो उसमें फिट किया जाता है कार के अंदर. ताकि अगर आप जब कार चला के कहीं जा रहे हो या ट्रैफिक में या कोई कहीं भी अगर आपके साथ कार के साथ कुछ गलत होता है, कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट वैसा कुछ हो जाता है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो रहता है तो उसमें आप देख के जान सकते हो या दूसरे भी जान सकते हैं कि गलती किसकी थी. और अगर आप कार को कहीं पे पार्क करके जाते हो कहीं पार्किंग में या कहीं दूसरी जगह, तो अगर आप डीवीआर को ऑन करके वहाँ से जाते हैं कार को लॉक करके, तो आप बाद में आके देख सकते हैं कि क्या आपके कार के साथ कुछ छेड़खानी हुई थी या नहीं, तो वो आप इसके थ्रू रिकॉर्डिंग के थ्रू जान सकते हैं. तो ये इसकी सेफ्टी फीचर्स है. तो बाकी फीचर्स मैं आप लोगों को बाद में बता रहा हूँ. तो चलिए पहले देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है. तो उसको खोलते हैं तो इसके अंदर में हमको ये मिलता है डीवीआर, एच डी डीवीआर. तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या है. तो इसमें मिलता है एक माइक्रो एस डी स्लॉट, तो ठीक हो गया. और इसको उसके बाद मिलता है इसमें एक यूज़र मैनुअल गाइड, पोर्टेबल डीवीआर विद 2.5 टीएफटी एलईडी स्क्रीन इंस्ट्रक्शन मैनुअल. ओ ये तो मैनुअल है, तो इसमें एलईडी दिया गया है लेकिन बॉक्स में लिखा था एलसीडी. तो देखते हैं क्या होता है. फॉर हेल्प कॉन्टैक्ट, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. इसमें कुछ प्रॉब्लम हो कुछ जाना तो हेल्प सेंटर में कॉल करते. तो ये है बेसिकली मैनुअल गाइड कैसे चलाते हैं उसको ऑपरेट. और साथ में मिलता है एक चार्जिंग केबल छोटा सा, उस चार्जिंग केबल है. उसके बाद एचडीएमआई केबल है, एचडीएमआई चार्जिंग केबल तो इसमें. और ये इसमें मिलता है ये चार्जिंग केबल. और ये है जो आप इसको कार में जो चार्ज होता है, तो कार चार्जर, कार में लगाने वाला मोबाइल चार्जर, ओके, या दूसरे चीज़ों को भी चार्ज कर सकते हैं. तो ये हो गया एक. और साथ में मिलता है एक क्लैंप, मिलता है क्लैंप. इसको डीवीआर को यहाँ पे फिट किया जाता है और इसको कार के डैशबोर्ड में या मिरर में कार के सामने वाले ग्लास पे लगाया जाता है. तो कहीं भी लगाएं आपका मर्ज़ी है. तो देखते हैं, बस बॉक्स में इतना ही था और कुछ नहीं है. तो इसको रख देते हैं अभी. अभी बात करते हैं तो चलिए अभी बात करते हैं इस डीवीआर के बारे में. तो चलिए अभी बात करते हैं डीवीआर के बारे में. तो ये बेसिकली ये है डीवीआर, छोटा सा मोटा सा. तो इस डीवीआर को मैं दिखा देता हूँ. सो जो ये डीवीआर है इसमें आपको मिलता है एक, मैं दिखा देता हूँ पहले. सो इस डीवीआर में आपको ये सामने की ओर मिलता है एक कैमरा है, और इसके साथ जो ये लाइट्स है तो ये इंफ्रारेड लाइट्स है. तो जो नाइट विजन, मतलब नाइट विजन कैमरा के लिए सूटेबल है, मतलब नाइट विजन रिकॉर्ड करता है. तो चलिए बात करते हैं डीवीआर के बारे में. तो ये डीवीआर जो है इसके सामने आपको मिलता है एक कैमरा, और इसके साथ मिलता है ये छः इंफ्रारेड लाइट जो नाइट विजन मोड ऑन करता है, करने से नाइट विजन वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करता है. और आपको साइड में मिलता है ये एस डी स्लॉट, इसमें 32 GB तक मेमोरी सपोर्ट होगा. और अनदर साइड में आपको मिलता है चार्जिंग पॉइंट जो एचडीएमआई केबल भी सपोर्ट करता है. तो और पीछे की ओर मिलता है एक पावर ऑन ऑफ बटन और रिकॉर्ड एंड पॉज बटन. और आपको ऊपर में है एक माइक और नीचे में है स्पीकर, और ये क्लैंप लगाने के लिए होल या क्या कहते हैं इसे. और इधर में मिलता है आपको एक BL5C बैटरी. तो ये BL5C बैटरी है 3.7 वोल्ट का, 3.8 वाट WH.
और इधर में है एलसीडी स्क्रीन, और ये है मेनू बटन डाउन अप एंड मोड। तो इसको एक बार पावर ऑन करके देखते हैं। तो ये इसका पावर ऑन हो गया, तो पावर ऑन हो गया तो आप देख सकते हैं इसमें पावर ऑन। तो इसमें मैंने अभी तक मेमोरी कार्ड नहीं लगाया, तो नो मेमोरी कार्ड लगा, तो इसको पहले पील कर देते हैं, हटा देते हैं, पील ऑफ कर देते हैं प्लास्टिक। तो ये है आपको 2.5 TFT LCD स्क्रीन। तो ये है मोड बटन जो कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग मोड एक्टिवेट करता है। तो और साथ में है आपको मेनू बटन। तो ये मेनू है आप साइज, इसमें 1000p वीडियो रिकॉर्ड होता है, रेजोल्यूशन, टाइम, वॉइस रिकॉर्डर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेज है इंग्लिश, तो ये सब फीचर्स है इसमें। तो मेनू बटन से आप अपना मतलब सेटिंग्स कर सकते हैं खुद। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो इसमें सारे सेटिंग्स दिए गए हैं, और इसमें सबसे एक बेस्ट फीचर्स ये है कि इसमें नाइट विजन मोड है। तो अगर आप इसको, इस बटन को, प्ले पॉज बटन को क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड करना शुरू करेगा, और ये रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। मेरे पास अभी मेमोरी कार्ड है नहीं, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो इसको मेमोरी कार्ड लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज बटन। और इसमें जो पावर बटन है, इसको अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये नाइट विजन मोड ऑन कर देगा। तो नाइट विजन मोड ऑन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो ये इंफ्रारेड जो लाइट है, ये नाइट विजन मोड में ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी इसका इंफ्रारेड लाइट ऑन हो गया, मतलब ये नाइट विजन हो गया, और अगर ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। इसमें और एक बेस्ट फीचर है कि इसकी जो स्क्रीन है, ये 360 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो मैं अभी नाइट विजन मोड ऑन करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। अभी तो नॉर्मल मोड है, तो अभी नाइट विजन ऑन कर देता हूँ। अभी नाइट विजन मोड ऑन हो गया, तो ऑफ कर देता हूँ, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा अंधेरे में। ऑन करता हूँ तो ये है नाइट विजन मोड। सो बस यही था इसका फीचर्स। तो मैंने इसको मंगवाया था ऑनलाइन से, और मैंने इसको मंगवाने का मेरा मेन रीज़न था कि मैं इसको बाइक के पीछे में लगाने वाला था, ताकि जब मैं कोई राइड या टूर पे जाऊँ तो मुझे बैक साइड के कुछ अच्छे शॉट मिल जाए। तो मैं इसको बाइक में लगाने वाला था, कैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसको बाइक में लगाने वाला था इससे, तो ये माउंट यहाँ पे फिट हो जाता है और ऐसे। तो मैं इसको वैक्यूम अटैच को बाइक में, बाइक के पीछे में अटैच करने वाला था, जिससे कि मैं बाइक के पीछे वाले जो व्यू है उसको मैं क्लियर शॉट रिकॉर्ड कर सकूँ। मेरे सामने की ओर तो एक्शन कैमरा लगा रहता है, तो मैं बैक साइड में इसको लगा के बैक साइड से कुछ शॉट लेना चाहता था। तो मैं इसका शॉट आपको दिखा देता हूँ। इसकी नाइट रिकॉर्डिंग तो आपने देख चुका, इसकी नाइट रिकॉर्डिंग तो आप देख चुके हैं, तो मैं इसका वीडियो क्वालिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही। तो यही था मेरा HD DVR। तो मैं इसको बाइक में लगा के आप लोगों को इसके शूट रिकॉर्डिंग जरूर दिखाऊंगा। तो इसको लाने का मेरा मेन मोटो था कि मैं ये मेरे बाइक के पीछे में लगाऊंगा, ताकि मैं जब ड्यूरिंग माई राइड तो मैं बैक साइड के कुछ अच्छे शॉट ले सकूं। तो इसको लगाने के लिए वैक्यूम क्लिप से लगाना है। तो इसको लगाने के बाद आप इसमें सेलो टेप लगा दीजिए नीचे में, ताकि ये ज़्यादा गिरने की संभावना ना हो। तो इसको मैं रोटेशन भी कर सकता हूँ, और इसकी स्क्रीन 360 डिग्री टर्न भी कर सकता हूँ, और ड्यूरिंग माई राइड तो इसके अच्छे से शूट कर सकूँ। बस इतना ही गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय आय असम, जय हिंद। और तब तक हम लोग उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर।
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging.